ज्ञान झरूखो यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित श्री स्वामी नारायण पर्व भगवान श्री स्वामी नारायण ना दिव्य जन्मोत्सव प्रसंगे प्रस्तुत छे संत प्रवचन माला वक्ता पूज्य मुनि वत्सल स्वामी। विषय भगवान स्वामी नारायण नु दिव्य जीवन अने कार्य। यत् संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे बहनीरधते धरणिरुदधीर लंघते नैव वेलाम् सोयं श्रीमान् निखिल जगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री स्वामी नारायण जी अपनी अकारण करुणा से, अपनी अहैतु की कृपा से इस धरातल पर पधारे। उनके प्रागट्य का एकमात्र उद्देश्य जो स्वयं भगवान स्वामी नारायण जी ने ही बताया है वो यह है कि अपने प्रेमी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करना, उनको लाड लड़ाना। और इसलिए अपना परम दिव्य अक्षर धाम चैतन्य मूर्ति पार्षदों और समग्र ऐश्वर्य को साथ में लेकर भगवान स्वामी नारायण जी इस लोक में मनुष्य तन धारण करके पधारे। एक पत्र में भगवान स्वामी नारायण जी ने अपने प्राकट्य के उद्देश्य को बताया है। उसमें भगवान स्वामी नारायण जी कहते हैं कि मेरा यह अवतार जीवों के अनादि अज्ञान के नाश के वास्ते पुरुषोत्तम ऐसा मैं जो वह मनुष्य जैसा बना हूं। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य जैसे बनकर हमारे बीच में आए। उनका उद्देश्य यह है कि जीवों के अनादि अज्ञान के नाश के वास्ते। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण जी का इस धरातल पर मुख्य कार्य जो है तो अपने भक्तों को, प्रेमी भक्तों को लाड लड़ाने, उनके मनोरथों को पूर्ण करना जो भक्ति संबंधित मनोरथ है। साथ साथ में परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय ये कार्य भी सिद्ध होता है और अनंत जीवों के
मूल अज्ञान का नाश करके उनका आत्यंतिक कल्याण वो भी भगवान स्वयं पृथ्वी पर पधार कर करते हैं और स्वामीनारायण भगवान ने किया। मूल अज्ञान क्या है तो भगवान स्वामीनारायण जी समझाते हैं कि जब हम इस शरीर को अपना रूप मानते हैं यही मूल अज्ञान है। ये देह को अपना स्वरूप मानते हैं यही मूल अज्ञान है। देहाभिमान और उस देहाभिमान के कारण अहंता और ममता के भाव जो प्रबल बने हुए हैं वही मूल अज्ञान है। और भगवान जब इस धरातल पर पधारे और अपना कार्य क्षेत्र जो उन्होंने पसंद किया कृपा करके, ये उनका अनुग्रह है, उनकी अनुकंपा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते करते उन्होंने गुजरात को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और गुजरात में भी सौराष्ट्र काठियावाड़ की उस भूमि को उन्होंने अपने पावन रज से पवित्र की और उसको अपने परम दिव्य धाम तुल्य बनाई। परंतु तत्कालीन समाज में जहां भगवान स्वामीनारायण जी ये दिव्य कार्य करने के लिए पधारे थे उस समाज की स्थिति कैसी थी, तो जैसे कोई पशु बाड़े में बंधे हुए होते हैं उसी प्रकार तत्कालीन समाज में लोग जाति पाति ऊंच नीच के बाड़े में बंधे हुए, उनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई थी, इतनी संकुचित थी, इतना संकीर्ण विचारधाराओं थी, अंधश्रद्धा और वहमों में वो इतने डूबे हुए थे और कई ऐसी अंधरूढ़िया वो घर कर गई थी कि जिससे उस जीव को बाहर निकालना बहुत कठिन काम था। परंतु भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं, तो उनका मुख्य कार्य यही था। भगवान स्वामीनारायण जी एक बार अगतराई गांव में पधारे सोरठ में, भक्त पर्वत भाई वहां के मुख्य हरि भक्त थे। भगवान स्वामीनारायण जी स्नान करने के लिए गए। अगतराई में दो कुएं हैं, उसमें धोले कुएं में भगवान स्वामीनारायण जी स्नान करने गए। प्रथम भगवान स्वामीनारायण जी ने स्नान किया, वस्त्र परिधान किए, बाद में भगवान के साथ आए हुए संत सेवकों स्नान कर रहे थे। उस समय भगवान एक वृक्ष के नीचे, आम्र वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। एक बालक वहां से पसार हो रहा था। भगवान ने उनको देखा और उस बालक को देखकर भगवान ने उसको अपने समीप अपने निकट बुलाया। आज तक सामने से उनको बुलाने वाले ये पहले थे। इतना प्रेम से, इतने वात्सल्य भाव से जब उनको बुलाया गया तो बालक निकट तो आया परंतु थोड़ी दूरी पर अटक गया। भगवान कहते हैं बेटा निकट आ। तब उसने कहा कि प्रभु लोग मुझे अछूत मानते हैं, मैं आपके समीप नहीं आ सकता। इस बालक की निर्दोष वाणी को सुनकर भगवान द्रवित हो गए। यही तो है मूल अज्ञान, पशुवत जीवन, जाति पाति में बटा हुआ समाज। भगवान स्वामीनारायण जी उसका उद्धार करने के लिए पधारे। तब भगवान ने उसको निकट बुलाया और कहा कि सभी जीव भगवान की संतान है, सभी हरि के जन। बेटा मैं हरि हूं, तू समीप आ, मुझे कोई बात नहीं। और इतना प्रेम देखकर वो भगवान के निकट आया। भगवान स्वामीनारायण जी ने उनको आशीर्वाद दिए,
उनके माथे पर हाथ रखा और फिर प्रेम से कहा, बोल जैसे मैं बुलाऊं, मैं आत्मा हूं। उसने यह ज्ञान पहली बार सुना था, परंतु जैसे एक मां, एक ममतामयी मां अपने संतान को कुछ सदउपदेश देती है, कुछ सिखाती है, और मां की ममता को वश होकर वो बालक कुछ सीखता है, यही भाव, उससे भी कहीं गुना अधिक भाव इस बालक ने भगवान स्वामीनारायण जी में देखा और वो बोलने लगा, मैं आत्मा हूं। भगवान ने उसको 5 बार बुलाया, 10 बार बुलाया, 100 बार बुलाकर कहा, बेटा आत्मा हमारा वास्तविक रूप है, ये शरीर हम है नहीं। जाति पाति ऊंच नीच के ये भेद समाज ने खड़े किए, हमारा वास्तविक स्वरूप चैतन्य है और परम चैतन्य हमारे चैतन्य में विराजमान है, वो भगवान का आज आपको सीधा संबंध हुआ है। इस वाणी को बालक तो कुछ समझा नहीं, परंतु उसको ये अनुभूति हुई कि परमेश्वर का स्पर्श यदि हो तो ऐसा ही हो सकता है। भगवान ने इस प्रकार से ऊंच नीच के भेदभाव को समाज में से मिटाकर सभी को ब्रह्म रस से सिंचित किए और उस आत्मज्ञान से सभी को लाभान्वित किए। भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा कि समाज के अंदर सभी का समादर होना चाहिए, कहीं किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार, किसी के दुर्गुण और कुभाव समाज में ना रहे, वही सच्चा श्रेष्ठ और आदर्श समाज है। भगवान स्वामीनारायण जी ने सभी को अपनाया, सभी को प्रेम दिया, सभी को वास्तविक अपने आत्म स्वरूप में जोड़ा और प्रभु की भक्ति का अधिकार दिया है। जेतलपुर गांव में भगवान स्वामीनारायण जी एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और उसकी पूर्व तैयारी में गांव की महिलाएं गेहूं पीसने की सेवा कर रही। उस यज्ञ के अंदर लाखों लोग भोजन करने वाले थे और उसकी पूर्व तैयारी चल रही थी। किसी को 1 मन दाने, किसी को 2 मन दाने भगवान स्वयं अपने हाथ से देते थे और गांव की महिलाएं हर्ष भर ये सेवा उठाती थी। उस गांव की एक गणिका लक्ष्मीबाई उसका नाम, उसके मन में भी ऐसा भाव हुआ कि प्रभु अपने हाथों से सेवा दे रहे हैं और गांव की सभी सन्नारी ये सेवा कर रही है। उसके मन में भी ये भाव उठा कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं, यज्ञ के इस आयोजन में मेरा हाथ बटाऊं। परंतु हाय रे समाज, वो तिरस्कृता थी, समाज के द्वारा परित्यक्ता थी, लोग उसको पतित मानते थे, एक घृणा भरी दृष्टि से लोग उसको देखते थे, वो सबके लिए मात्र एक उपभोग का साधन बन गई थी, सबका मनोरंजन करती थी, सबका दिल बहलाती थी, परंतु फिर भी वो गणिका घृणा से और तिरस्कार से ही परिपोषित हो रही थी। इसके मन के ये भाव प्रबल हुए और उसके मन में एक ऐसा भाव जगा कि प्रभु के आगे तो सब समान है। वो स्वामीनारायण भगवान के पास आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज मुझे भी सेवा दीजिए। भगवान राजी हो गए। स्वामीनारायण भगवान ने लक्ष्मीबाई को अपने हाथ से 2 मन दाने दिए, कहा बहन तू भी भगवान की सेवा कर, यज्ञ की सेवा कर, वैदिक यज्ञ का एक महान आयोजन है, उसमें तेरा भी हाथ बटे। वो तैयार हुई। उस समय कई लोगों ने नाक सिकुड़ा और
मन के अंदर तिरस्कार के भाव थे वो आंखों से प्रकट हो गए। भगवान स्वामी नारायण जी ने एक दृष्टि उनके सामने भी की, सभी लोग अंतर्मुख बने। भगवान कहने लगे, किसी के दोष प्रकट हुए हैं, किसी के प्रकट नहीं हुए, बात इतनी ही है। भीतर से झाके अपने आप को टटोले तो आप भी पाएंगे कि पतित कौन है। भगवान की सेवा का अधिकार सभी को है, जिसके मन में सच्चा भक्ति भाव है और जिसका अंतःकरण निष्कपट है वो प्रभु सेवा का अधिकारी। भगवान स्वामी नारायण जी ने उस लक्ष्मीबाई को भी अपनाया, उसकी सेवा स्वीकार की। यज्ञ समापन हो जाने के बाद भगवान उसके माहौल में पदार्पण करने के लिए भी पधारे। उस स्थान को भगवान ने पवित्र किया, उस पतित को पावन किया। पतित पावन परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण जी ने मुख्य धारा से जो तिरस्कृत हुई थी उसको प्रेम से अपना ली और समाज की मुख्य धारा में प्रस्थापित कर दी। यही है भगवान का मुख्य कर्तव्य। जिस प्रकार अहल्या का हुआ, जिस प्रकार कुब्जा का हुआ, उसी प्रकार जेतलपुर की गणिका का भी हुआ। भगवान ने उसका कल्याण किया। मानव चेतना मूलाधार में ही अटकी पड़ी हुई थी और भगवान ने समाज में यह भी देखा कि मूलाधार में अटकी हुई उस चेतना को ब्रह्मरंध्र तक उठाकर प्रत्यक्ष परमात्मा के योग से उसको समाधिस्थ करना, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी ने ये अपना कार्य प्रारंभ किया। सगराम भाई करके लिंबड़ी के निकट लिंबली गांव का एक भक्त था। भक्त तो भगवान स्वामीनारायण जी के संत मुक्तानंद स्वामी जी के योग से वो बना, परंतु उससे पहले दलित समाज का वो व्यक्ति कुत्ते बेचकर अपना पेट भरता था, मांसाहार भी करता था, शराब आदि मदिरा पान भी करता था, चोरी करना और गाली गलौच तो उसके साथ में सहज होता था। परंतु एक संत की निर्मलता ने उसके हृदय को पिघाल दिया। वो भगवान स्वामीनारायण जी का आश्रित बना। इतना ही नहीं, स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण जी बड़े बड़े राजा के राज भवनों में जो नहीं ठहरे और नहीं गए, वो सगराम की झुग्गी में गए, उसकी टूटी पुरानी खाट पर बैठे, सगराम की पत्नी ने बनाए हुई रोटी और भाजी भगवान ने अपने हाथ में ली और स्वयं उस भोजन को स्वीकार किया। सगराम धन्य हो गया, आनंदित हो गया, पुलकित हो गया। उनको लगा इस संसार में दलितों का उद्धार करने वाले स्वयं प्रभु साक्षात स्वामीनारायण जी आज मेरे लिए ही प्रकट हुए। वो आनंद से विभोर हो उठा, वो नाच उठा। सत्संग के धर्म नियम मर्यादाओं को उसने स्वीकार कर लिया और वो सगराम भक्त बना। इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, उसकी धर्म नियम की टेक और मर्यादा और पवित्रता, उसकी ख्याति वहां के राजा के राजभवन तक पहुंच गई और राजभवन का एक आदरणीय व्यक्ति सगराम बन गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गांधीनगर में अक्षरधाम का निर्माण किया है और दिल्ली में भी अक्षरधाम का निर्माण किया है। वहां ये भक्त सगराम के चरित्र का दर्शन लाखों लोग कर सके, इस प्रकार के वॉक थ्रू डायरामास वहां पर उन्होंने खूब सुंदर रूप से प्रस्तुत किए। ये प्रदर्शनी खंड में हम सगराम के दर्शन कर सकते। क्या उनका
इस प्रकार से उत्थान आध्यात्मिक रूप से हुआ था। मूलाधार में पड़ी हुई चेतना को ब्रह्म रंध्र से उठाकर प्रत्यक्ष परमात्मा के साथ परम प्रीति से जोड़ देने का ये महान योग संग्राम ने सिद्ध कर लिया। इस प्रकार से भगवान स्वामीनारायण जी के इस कार्य को देखकर एक अंग्रेज लेखक हेनरी जॉर्ज ब्रिक्स वो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि उन्होंने सत्ताधीशों और श्रीमंतों की सहाय बिना भी हजारों लोगों को गलत रास्ते से पुनः लौटाकर सत्य पथ पर स्थापित किए। उन्होंने मात्र सदाचरण का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर तीर ही समझ द्वारा लोगों को अनाचार से सदाचार की ओर प्रेरित किए। गुजरात इसलिए सहजानंद स्वामी का सदा ऋणी रहेगा। भगवान स्वामी नारायण जी ने जीवन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन कराकर एक सचोट और सटीक उदाहरण समाज के सामने व्यक्ति का ही प्रस्तुत किया और ऐसी सीध ही समझ से ही लोग प्रेरित होते थे। सांप्रत समय में भी भगवान स्वामी नारायण जी का ये कार्य और भगवान स्वामी नारायण जी की ये विभावना और भावनाओं का विकास आज भी दिखता है। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी से लेकर गुणातीत गुरु परंपरा के संतों के द्वारा ये कार्य का विश्व भर में विस्तार हुआ है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तो उसको व्यापक बना दिया और महंत स्वामी जी महाराज आज भी उस कार्य का संपोषण कर रहे हैं, उसकी पुष्टि के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। 19 नवंबर 2005 प्रमुख स्वामी जी महाराज दिल्ली में थे। अक्षरधाम का उद्घाटन हो चुका था और अक्षरधाम के उद्घाटन के बाद विश्व भर के मानधाताओं और महानुभावों स्वामी श्री को अभिनंदन देने के लिए बड़ी श्रृंखला में यहां पर उपस्थित होते थे। 19 नवंबर को राष्ट्रीय महानुभावों की एक लंबी श्रृंखला थी और उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के निजी सलाहकार और भारतवर्ष के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वाईएस राजन साहब भी पधारे थे। स्वामी जी उनको मिले, उनको आशीर्वाद दिए और जैसे ही वाईएस राजन साहब विदा हुए तुरंत एक व्यक्ति स्वामी जी को मिलने के लिए आए। स्वामी जी उनको देखकर एकदम हर्ष पुलकित हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया और स्वामी जी कहने लगे, हेमराज भाई आ गए। हेमराज भाई पुलकित हो गए। हेमराज भाई संग्राम के कुटुंबी जन थे। जिस संग्राम की भगवान स्वामी नारायण जी के समय की हमने चर्चा की, उसी संग्राम के गांव के और ज्ञाति के ये दलित बंधु प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए थे। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। फिर स्वामी जी कहने लगे, यहां हमने संग्राम जी को रखे है, आपने दर्शन किए? बोले, हाँ मैंने दर्शन किए। स्वामी जी ने कहा, दिल्ली में तुम्हारे ज्ञाति बंधु जितने भी रहते हैं वो सभी को ले आइएगा और सभी को अक्षरधाम के दर्शन कराइएगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं जरूर कराऊंगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ में खड़ा था। स्वामी जी ने मुझे भी कहा कि जहां ये लोग रहते हैं दिल्ली में रघुवीर नगर में वो रहते हैं, स्वामी जी ने कहा वहां सत्संग करने के लिए जाना, सभी लोग इकट्ठे हो और प्रभु का नाम स्मरण करें। स्वामी जी के आदेश से रघुवीर नगर में रामदेव पीर का जो मंदिर है वहां पर हमने सत्संग भी किया और उस समय भक्त संग्राम का स्मरण भी किया। भगवान स्वामी नारायण जी के जो श्रेष्ठ उपदेश है वो सभी को सुनाए। प्रमुख स्वामी जी महाराज अभी भी हेमराज भाई का हाथ पकड़े हुए थे और प्रेम से पूछने लगे, शराब सिगरेट तो पीते नहीं है ने? उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, आपके आशीर्वाद है। प्रमुख स्वामी जी महाराज का ये प्रेम, ये उनकी समता,
एक ऊंचे वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के निजी सलाहकार को मिलने के बाद अति हर्ष से वो एक दलित भाई को भी प्रेम से मिल सकते हैं। ये उनकी समता और ममता। पंचमहल, छोटा उदयपुर, साबरकांठा, सेलवास, डांग, धर्मपुर के वनवासी और आदिवासी भाइयों, उस सभी ने इसका अनुभव किया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये मंत्र को प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में चरितार्थ किया था। वो सभी को अपनाते थे। पंचमहल में मोटी बेच करके एक गांव में आदिवासी भाइयों को मिलने के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज रात को 1 बजे पहुंचे और उस समय कड़कड़ाती ठंड थी और 1 बजे सभा में प्रमुख स्वामी रात को उपस्थित हुए। श्रद्धापूर्वक वो भी स्वामी जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। उनको देखकर प्रमुख स्वामी जी महाराज भावार्द्र हो गए और स्वामी जी बोल उठे, आप सभी में मुझे भगवान के दर्शन होते। एक बार वनवासी आदिवासी की सभा में प्रमुख स्वामी जी महाराज कहने लगे, आदि से आदि भगवान है और आप सभी का भगवान के निकट, भगवान के समीप निवास है, इसलिए आप आदिवासी है, क्योंकि सबसे आदि पुरातन परमात्मा है, वो भगवान का आप सब में वास है। इस प्रकार से आदिवासी को एक आध्यात्मिक रूप में प्रमुख स्वामी महाराज ने परिभाषित किया। आदिवासी और वनवासी भाइयों की सेवा के लिए निशुल्क छात्रालयों की स्वामी जी ने रचना की, मोबाइल डिस्पेंसरी की रचना की, उस गांव के अंदर कुटीर मंदिरों बनवाए, उनके अंदर संस्कारों का और सत्संग का सिंचन हो, इसलिए संतों को आदेश दिया कि वनवासी क्षेत्र के अंदर आज BAPS के कई संतों सतत निरंतर परिभ्रमण करते हैं, उस आदिवासी भाइयों की कुटीरों में रहते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, वहां सत्संग करते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आया, नशा व्यसन छूट गया, मांसाहार छूट गया, शराब छूट गया, धर्म मर्यादाओं को उन्होंने अपना लिया। तिलक टीका के साथ वो भगवान की पूजा और प्रार्थना करने लगे। वो शुद्ध बने, उन्नत बने, चरित्रवान बने, भक्त बने। भगवान स्वामी नारायण जी के इस कार्य को प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इतनी हद तक व्यापक कर दिया कि वनवासी क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को उन्होंने संत दीक्षा भी दी। आज लगभग 1100 से अधिक संत इस BAPS संस्थान में है। उनमें से कई युवक वो आदिवासी में से संत बने हैं। और इतना ही नहीं, ये आदिवासी युवक संत बने, उनमें से कुछ संतों को तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मंदिर के पुजारी भी बनाए हैं। इस प्रकार भगवान स्वामी नारायण जी के ये कार्य को स्वामी जी ने उनकी रुचि को, उनके अभिगम को पूर्ण रूप से साकार रखा है, स्थापित रखा है समाज में। साकरी में मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर दलित समाज के कुछ भाइयों मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज चलकर उनके पास गए और कहने लगे, आज मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, ये मंदिर सभी के लिए है, आप लोग नियमित मंदिर में जाइएगा, सत्संग का लाभ लीजिएगा, देव दर्शन करिएगा और नशा व्यसन छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से जितने भी BAPS के मंदिरों हैं, उसमें सभी लोग जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर समान रूप से भक्ति कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। ऐसा एक सुंदर आयोजन जो भगवान स्वामी नारायण जी ने प्रस्थापित किया था, आज प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज भी यही कार्य कर रहे हैं। महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ के 16वें श्लोक में भगवान स्वामी नारायण जी के अभिप्राय को लिखते हुए महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं, जात्या नैव महान कोपि नैव न्यूनस्तथा यतः जात्या क्लेशो न कर्तव्य सुखम सत्संगम आचरेत। जाति पाति के आधार से कोई क्लेश न करे और सुख पूर्वक सत्संग करे। जाति से कोई महान नहीं है और कोई न्यून भी नहीं है। हेनरी जॉर्ज ब्रिक्स वो आगे कहते हैं, उनके ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान स्वामी नारायण के शिष्य वृंद में प्रतिभा संपन्न, प्रतिष्ठित,
समृद्ध, गरीब, अनपढ़ और पिछड़े लोग भी थे, जो अपने उपदेशक गुरु के लिए प्राण न्योछावर कर दे ऐसे थे। कल्पना भी नहीं कर सके उतनी हद तक उनके शिष्यों स्वामी सहजानंद जी को चाहते थे। ऐसा प्रेम भगवान ने दिया तो सभी भगवान को अपना प्रिय इष्ट देव मानकर उनकी प्रीतिपूर्वक भक्ति करते थे। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री के दत्ता अपने भारतीय इतिहास की समालोचना करता ग्रंथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। वर्ण भेद न मानकर निम्न वर्ण के लोगों के प्रति सहानुभूति तथा ममतामय व्यवहार किया, जो आज तक जिस अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था वह अधिकार उन्हें दिए। कारीगर, मजदूर और दलित समाज के लोग इस संप्रदाय से जुड़े थे। सहजानंद जी के प्रभाव से उनकी शराब पीने की, जुआ खेलने की, मांसाहार की, धूम्रपान की आदतें छूट गई। उनका जीवन नैतिक मूल्यों से उन्नत हुआ। सादगीपूर्ण जीवन जीकर, कामनाओं को संयमित कर पवित्र और प्रभुमय जीवन जीने का उपदेश भगवान स्वामीनारायण जी ने उनको दिया। सहजानंद जी के प्रभाव से कई गुनाखोर चोरी, डकैती, बगावत छोड़कर देश के अच्छे नागरिक बने। देश के अच्छे नागरिक बनाने का वास्तविक कार्य धर्म का है और धर्म ही देश के अच्छे नागरिकों की भेंट देता है। भगवान स्वामीनारायण जी के समय में तत्कालीन समाज में चोरी डकैती करने वाले कईयों को भगवान स्वामीनारायण जी ने सुधार दिए थे, अपना लिए थे, उनको भक्त में बदल दिए थे। उसमें से प्रसिद्ध नाम है वरताल गांव के जोबन पगी का। जोबन मतलब वरताल का बाघ कहलाता था। कलकत्ता तक उसका तीर चलता था, उसका नाम कोई लेता नहीं था। जब वो बाहर निकलता था तो पानी भरने आई हुई स्त्रियां भाग जाती थी, सब अपने घर बंद कर देते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, रोते हुए बच्चे चुप रह जाते थे। ऐसा जोबन पगी था, लुटेरा, उसमें माहिर था इतनी हद तक कि सयाजी राव गायकवाड़ ने एक बार जोबन स्वामीनारायण भगवान का भक्त बन गया बाद में उसको पूछा कि तेरे पास क्या करामत है कि जो तू चाहे वो वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तब संग्राम ने कहा कि ये कला तो मैं अब भूल गया हूं, भगवान स्वामीनारायण जी ने मेरे हाथ में तलवार और धनुष छुड़वाकर ये माला दी है। तब सयाजी राव ने कहा तू भक्त बना है लेकिन तेरी कौशल्य कला जो चोरी की थी वो हमें मात्र एक कला को दिखाने के कारण दिखा। और सयाजी राव के वहां पर जोबन पगी रहे और सयाजी राव की घोड़ी को चोर कर उसने इस प्रकार से अपनी कला का दर्शन कराया, तभी अचंभित रह गए, ऐसी कला उसके पास थी। पेटलाद के कशिया भाई, उसने भी अपना जीवन बदल दिया था, स्वामी नारायण के सत्संगी बने थे। एक बार ये जोबन पगी पेटलाद के कशिया भाई को मिलने के लिए गए, सारी दुकानें बंद हो गए, बोले जोबन आया, जोबन आया, जोबन आया। सब लोग भयभीत हो गए, परंतु जोबन तो अब बदल गया था। उस समय कशिया भाई भी थर 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 कांपने लगे। तब जोबन ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, अब वो जोबन रहा नहीं है, अब तो ये भक्त जोबन है। उस समय कशिया भाई ने उनको कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि स्वामीनारायण भगवान को चमत्कार दिखाते और वो गधे में से गाय बना देते, क्या ये सच है? उस समय जोबन ने कहा ये चमत्कार तो मूर्तिमंत तुम्हारे सामने ही है, एक दिन आप जिनको देखकर डरते थे, भागते थे, आज आप उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं, यही तो भगवान स्वामीनारायण जी का चमत्कार है। ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण जी ने मेघपुर के मूलजी लुवाणा, इस प्रकार मेंगणी के मान सिंह जिसको मानभा कहते थे और वो चिड़िया की
जीव का अचार बनाकर खाते थे। अब इतना पाप करने वाले को भी भगवान स्वामीनारायण जी ने भक्त बना दिए और सौराष्ट्र का प्रसिद्ध बागी बगावत करने वाला जोगीदास खुमाण उसको भी भगवान स्वामीनारायण जी के सत्संग से और खास करके दादा खाचर जो भगवान स्वामीनारायण जी के अनन्य भक्त थे उनके प्रभाव से जोगीदास के अंदर परिवर्तन आया था और समाज की मुख्य धारा में वो पुनः स्थापित हुआ था। ये भगवान स्वामीनारायण जी का प्रभाव समाज पर था। गांधी जी कहते थे भगवान स्वामीनारायण जी के लिए जो कार्य एक भगवान स्वामीनारायण जी ने किया वह राजदंड नहीं कर सका और कभी नहीं कर सकेगा। और सरदार पटेल कहते थे भगवान स्वामीनारायण जी के लिए कि स्वामी सहजानंद जी और स्वामीनारायण धर्म के साधुओं के पवित्र जीवन से गुजरात में संस्कार की सौरभ प्रसरित हुई। कई सामान्य और अनगढ़ मनुष्य को पशुवत जीवन से ऊपर उठाकर उन्हें संस्कारी बनाने में इस धर्म का योगदान महत्वपूर्ण है। अब गांधी जी और सरदार पटेल ने जो अनुभव किया था वो वास्तविक था, वो सत्य था। भगवान स्वामीनारायण जी के 3000 से अधिक संत परमहंस थे और उनमें से एक ही रात में मात्र अपनी 25 वर्ष की आयु में भगवान स्वामीनारायण जी ने 500 परमहंस बनाए थे जो संत में से परमहंस दीक्षा से दीक्षित हुए थे। ऐसे परमहंस जो तप त्याग और तितिक्षा में शूरा पूरे थे, ऐसे संत जो ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता थे, कई तो शतावधानी थे, कवि थे, साहित्यकारों थे, खगोल भूगोल के ज्ञाताओं थे, वेदों के विशारद थे, संगीत शिल्प कला आदि के कलाओं के वो निधि समान थे, वो सभी एक सहजानंद चरण के उपासक बनकर भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में इस प्रकार से भक्ति सेवा मग्न भगवान के आदेश अनुसार जीवन जीते हुए समाज की महान सेवा कर रहे थे। भगवान स्वामीनारायण जी एक बार कहने लगे, जैसे ये आत्मानंद स्वामी जी है जो वचन की मूर्ति समान है, ऐसे कोई तपस्वी हो, ऐसे कोई त्यागी हो तो बोलो। तब भगवान के सामने हाथ जोड़कर बारी बारी सभी परमहंस बोलने लगे कि महाराज आप कहो ऐसा हम करें, आप कहो तो हम पलके भी न झपकाए और इस प्रकार से ध्यान करें, आप कहो तो विवस्त्र रहकर हम हिमालय में रहे, आप कहो तो भूखे रहे अन्न का एक दाना भी ना खाए, आप कहो तो इस प्रकार से हम पानी में बैठे रहे, आप जैसे कहो ऐसा करने के लिए हम तैयार हैं। तब भगवान स्वामीनारायण जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है, आपके प्रति मेरी परम श्रद्धा और आस्था है, जैसे मैं कहूंगा वैसा आप करोगे, ऐसे अनुशासित आप भक्त है और आपके प्रति मेरी भी ऐसी आस्था है, मैं मानता हूं कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार है। परंतु भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शरीर में नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, बस ये बात का नित्य चिंतन रखकर आत्म भाव में अखंड रहकर परमात्मा के स्वरूप में आपकी वृत्ति को जोड़कर समाज की सेवा में लगो। भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा, आत्मज्ञान मस्त होकर बैठे रहने के लिए नहीं है, परंतु आत्मज्ञान की नींव पर खड़े रहकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए समाज की सेवा करनी वो हमारा कर्तव्य है। उन्होंने ये महान त्यागी परमहंसों को भगवत सेवा के साथ साथ समाज की सेवा में भी जोड़ दिए। समाज के उत्थान के लिए, समाज को निर्व्यसनी और निर्मादक बनाने के लिए ये परमहंसों ने खूब पुरुषार्थ किया। समाज में सदाचार की स्थापना करने के लिए वो गांव गांव घूमे, घर घर गए, भिक्षान पर निर्वाह करते थे, झोली मांगते थे और भिक्षा मानकर अपना एक समय भोजन कर लेते थे। परंतु उपदेश वचनों सुनाकर, कथा कीर्तन और सत्संग सुनाकर सभी को प्रभु में जोड़ते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण कर। ऐसे संत ने एक सदाचारी समाज की स्थापना की। इतना ही नहीं, समाज में जब जब आपदा आई, संवत 1869 में
गुजरात में भीषण सूखा पड़ा और दुर्भिक्ष के उस महाकाल में भगवान स्वामी नारायण जी के परमहंस सदाव्रत चलाते थे, सदाव्रत की संपूर्ण सेवा करते थे। अन्न को मांग कर ले आना, उसके बाद में उस संचित अन्न से रसोई बनानी, परोसना, सबको भोजन कराना, सबके झूठे बर्तन साफ करना, ये महान त्यागियों इस प्रकार की सेवा करते थे। भगवान स्वामी नारायण जी के आदेश से गांव गांव विचरण करते थे। इतना ही नहीं, बावड़ी, कुआ और तालाब खुदवाने की सेवा भगवान स्वामी नारायण जी ऐसे संत भक्तों को देते थे और वो समाज के कार्य में ये भी सेवा, कई गांवों में भगवान स्वामी नारायण जी के द्वारा ये बावड़ी, तालाब और कुएं खुदवाने का काम हुआ है ताकि जल संचय हो सके और दुर्भिक्ष से लोग बच सके। आज भी उनमें से कई स्थान भगवान स्वामी नारायण जी का समाज सेवा का इस महान स्मरण कराते हुए खड़े हैं उनके दिव्य स्मारक के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान स्वामी नारायण जी ने समाज की सेवा की है। कई सामाजिक महानुभावों, कई राष्ट्रीय महानुभावों की ऐसी मान्यता रही थी कि समाज रचना को बदले बिना व्यक्ति को बदल नहीं सकते हैं। उनका आग्रह यह था कि समाज रचना को बदले, बाद में ही व्यक्ति बदलेगी। परंतु प्रसिद्ध साहित्यकार और समीक्षक श्री यशवंत शुक्ल लिखते हैं कि भगवान स्वामी नारायण जी ने अपनी योजक बुद्धि, प्रभावक शक्ति, अपना शील, तप और चारित्र एवं अपनी निर्मलता, इन सब का ऐसा सुंदर प्रभाव डाला कि थोड़े ही समय में लाखों अनुयायी हो गए, लाखों लोग बदल गए। समाज रचना को बदले बगैर व्यक्ति को परिवर्तित करके समाज रचना को बदलाने का एक अभिगम भगवान स्वामी नारायण जी ने दिया। गुजरात के प्रसिद्ध साक्षर किशोरलाल मशरूवाला जी लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि जिस समय धर्म एवं धर्माचार्य स्त्री को अपमानित कर निंदा करते थे, ऐसे काल में इस संप्रदाय ने स्त्री की गरिमा बढ़ाने वाला और उसे पुरुष के समकक्ष स्वतंत्रता देने वाला उपदेश प्रदान किया। निर्दम्ब, निष्कपट और निर्दोष जीवन शैली वाले स्त्री पुरुषों से इस संप्रदाय ने देश को आबाद किया। ये बिल्कुल सच लिखा है किशोरलाल मशरूवाला जी ने कि भगवान स्वामी नारायण जी ने स्त्री का दर्जा, समाज में उसकी गरिमा खूब बढ़ाई, उसको ऊपर उठाई। सबसे प्रथम तो उन्होंने सती प्रथा बंद कराई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना बंगाल में की, उससे पहले गुजरात में सती प्रथा का विरोध भगवान स्वामी नारायण जी ने किया। परंतु उनका विरोध कोई विवादास्पद नहीं था, वो समाज के अंदर रचनात्मक कार्य करते थे, भक्त समुदाय के अंदर प्रेम से प्रवेश करते थे और अपने उपदेशों से उनको सत्य से वाकिफ करता था। और इस प्रकार से भगवान स्वामी नारायण जी के मार्गदर्शन से सती प्रथा बंद हुई। भगवान स्वामी नारायण जी कहते हैं कि विधवा को भी जीने का अधिकार है, वो प्रभु भजन कर सकती है, वो जी सकती है, आत्म संयम को प्राप्त करके परमेश्वर को अपना पति मानकर वो जीवन व्यतीत करे। इस प्रकार की व्यवस्था भी संप्रदाय के अंदर भगवान स्वामी नारायण जी ने करवाई थी। उस समय कुप्रथा, एक कुप्रथा प्रचलित थी और वो थी कि छोटी बालिका को दूध पीती कर देना, क्योंकि तत्कालीन समाज के अंदर दहेज प्रथा वो बहुत व्यापक बनी हुई थी। इसलिए जब बालिका का, बच्ची का जन्म होता था तो एक धर्म की ढाल के नीचे, धर्म की आड़ के नीचे उसको उबलते हुए दूध में डुबोकर मार देने की एक अंध कुप्रथा, एक अंध कुप्रथा समाज में प्रचलित हुई थी। भगवान स्वामी नारायण जी ने उसको भी बंद कराई, कहा यह हिंसा है, भले आप किसी भी प्रकार से उसको धर्म का मुखौटा पहनाए परंतु वास्तविक हत्या है। भगवान स्वामी नारायण जी ने इस प्रकार से स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत महान कार्य किया।
फलियाद गांव के रुकमाई माई के लिए उनके भाई जसवंत पटेल को भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा था कि रुकमाई माई को एक भैंस और चरखा दीजिएगा ताकि दुर्बल दिनों में आत्मनिर्भर रहकर वो गुजारा कर सके, स्त्री समाज में आत्मनिर्भर बनी रहे, अपना गुजारा स्वयं कर सके, इस प्रकार की योजनाओं भी समाज को, तत्कालीन समाज को भगवान स्वामीनारायण जी ने दी थी। भगवान स्वामीनारायण जी ने स्त्री शिक्षण को प्रोत्साहन दिया था। स्वामीनारायण के मंदिरों स्त्री शिक्षा अभियान के केंद्र बन चुके थे। और जब महाराजा सयाजी राव ने जब कन्या पाठशालाओं का प्रारंभ करवाया तब शिक्षिका बहने उन्हें स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी वर्ग से प्राप्त हुई थी। ये स्वामीनारायण भगवान का एक बहुत महान उपकार गुजरात की महिलाओं पर था, भारतीय समाज पर था। महिलाओं के लिए स्वयं स्त्री ही कथाकार और उपदेष्टा बने ऐसा प्रबंध भगवान स्वामीनारायण जी ने कराया था। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय के नारी भक्तों की भक्ति, धर्म, वैराग्य और ज्ञान युक्त आध्यात्मिक समझ वो बड़ी ऊंची थी। अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष को वह भाई और बाप तुल्य ही मानती थी। लाडूबा और जीवूबा राजपुत्री होने के उपरांत भी सूर्य समान पवित्र रहते थे। रस मात्र का परित्याग करके त्याग तप की अधिक रुचि रखकर वो भजन, सेवा और सत्संग करती थी। वह जो वचन बोले वह सिद्ध होता था, ऐसी वचन सिद्धा बनी हुई थी। स्वामीनारायण संप्रदाय के आश्रित नर नारी गृही त्यागी ब्रह्म भाव से सराबोर थे। कारण भगवान स्वामीनारायण जी का प्रत्यक्ष सानिध्य और सामीप्य उनको प्राप्त हुआ था। ये महानता भगवान की, जिसको भगवान ने अपनाया वो स्वयं महान बन गए। भगवान स्वामीनारायण जी उन्होंने एक लक्ष्य बांध कर दिया था और उस पारलौकिक लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ही सभी लोग आध्यात्मिक रूप से साधना करते थे। अपनी आत्मा की अक्षर ब्रह्म के साथ एकता करके दास भाव से परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करनी, यही एकमात्र पारलौकिक लक्ष्य सभी को था। और भगवान की प्रसन्नता और प्रत्यक्ष प्रभु की भक्ति ही उनके जीवन का एक परम लक्ष्य था। पारलौकिक दृष्टि रखते हुए भी इस लोक के सारे व्यवहारों को अच्छी तरह से करते हुए, सदाचरण का पालन करते हुए, पूरे समुदाय को और समाज को साथ में लेकर चलने वाले भगवान स्वामीनारायण के भक्तों की यही तो विलक्षणता थी कि इस लोक में रहकर भी सामाजिक जीवन जीते जीते समाज के उत्थान के विचार, चिंतन और पुरुषार्थ के साथ साथ परलोक की प्राप्ति के लक्ष्य को भी सिद्ध करने का समांतर रूप से भाव उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था। भगवान स्वामीनारायण जी ने ये कार्य किया है। कविश्वर नानालाल बहुत बड़े प्रखर साहित्यकार कवि है, वो लिखते हैं कि स्वामीनारायण जी ने संजीवनी छिड़क कर संसार को सजीवन किया था, उसे सरयू नीर से परिमार्जित कर ब्रह्म भाव से भिगोया था। नव युग के प्रभात के वह प्रभात सूर्य थे। आचरण स्वच्छता, विचार स्वच्छता, विधि स्वच्छता, व्यवहार स्वच्छता, अंतर स्वच्छता, सर्वदेशीय अंतर बहिर स्वच्छता का धर्म मार्ग भगवान स्वामीनारायण जी ने प्रवर्तित किया था। भांग, गांजा, तंबाकू छुड़वाकर भगवान स्वामीनारायण जी ने गृहस्थी के जीवन को निर्मादक किया था। रंगीन तुम्बा तुड़वाकर संतों को निर्मोही किए थे। नर नारी की पवित्र मर्यादाओं स्थापित कर देव मंदिरों पवित्र किए। शिक्षा पत्री देकर भगवान स्वामीनारायण जी ने व्यवहार शुद्ध किया, तो वचनामृत देकर भगवान स्वामीनारायण जी ने ज्ञान शुद्ध किया। भव्य मंदिरों, अहिंसात्मक यज्ञों, विशुद्ध पूजा विधान, झूला, वसंत पंचमी, जन्माष्टमी, जल जुलनी, रामनवमी आदि उत्सवों के आयोजनों से उन्होंने जनता को उमंग से भर दी। भाव झूले में प्रजा को झुलाकर उत्साह से सिंचित कर दिया और परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण जी का अति अति महान कार्य
उनका उपकार, उनकी अनुकंपा, महति कृपा जीवों पर यही रही कि उन्होंने अपने साक्षात अक्षर ब्रह्म धाम, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा इस धरती पर सदैव प्रकट रहने का वरदान दिया और गुणातीत गुरु परंपरा के द्वारा आज सांप्रत काल में भी स्वयं पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण जी इस धरातल पर प्रकट है, ये उनके आशीर्वाद है, ताकि उनका ये कार्य निरंतर चलता रहे और मोक्ष पथ पर अनेक जीवों कल्याण के पथ पर अग्रसर बनते रहे। इसी प्रकार से ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और सांप्रत काल में प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा स्वयं भगवान स्वामीनारायण इस धरती पर अपना दिव्य कार्य आज भी कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हमें साक्षात भगवान स्वामीनारायण जी के दर्शन आज इस संत के स्वरूप में हो रहे हैं। उनका सदैव प्रागट्य पृथ्वी पर रहेगा, इसलिए इस रूप में आज के इस उत्सव को मना रहे हैं और हम भी आज भगवान स्वामीनारायण जी को प्रार्थना करें कि वो हमारे पर ऐसी अनुकंपा और कृपा करें, ऐसा दिव्य और भव्य संप्रदाय, इतना ऊंचा अक्षर पुरुषोत्तम का दिव्य ज्ञान और ऐसी श्रेष्ठ उपासना और प्रत्यक्ष गुरु का सानिध्य हमें देकर उन्होंने हमें खूब खूब लाभान्वित किए हैं। भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय स्वामी नारायण।